हेलो, वेलकम टू एनएमएस एसएससी हेल्पर्स। हमने अभी तक पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में हमने पढ़ा परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में। परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में हमने अभी तक देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि परसेंट और फ्रैक्शन दो चीजें थी। अब हमने परसेंट निकाला था कि हमारे पास 50% है, तो उससे फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने डिवाइड बाई 100 किया था, यानी पी बाई 100 इज़क्वल टू एफ इज़क्वल टू 1/2 निकाल दिया था हमने। अब फ्रैक्शन से परसेंट निकालने के लिए हमने फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई किया था। जैसे 1/2 × 100 हमने 50 निकाल लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन और परसेंट के बारे में पढ़ा था और कुछ कंपैरिजन के बारे में भी देखा था, यानी रेशियो के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ वेरिएशन के क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी। यानी इसने सीधा सीधा दिया है कि ए जो है वो 25% मोर देन बी। तो मोर देन बी अगर दिया है, एक तो 25% ऑफ बी दिया होता तो वो सिंपली बी का 25% हो जाता, लेकिन इसने दिया है कि 25% मोर देन बी। तो यानी इसने कहा है कि जो 100% यानी बी जो था कंप्लीट वो तो था ही था, साथ में उसका 25% और था बी का। तो हम इससे ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो 125% ऑफ बी है। आगे पढ़ते हैं, बी गोट 10% लेस देन सी। तो वही बात हुई कि 10% लेस है तो 90% हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं एक बार, सी गोट 25% मोर देन डी। सी 25% ज्यादा लेता है डी से। इफ डी गोट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, अगर डी को 320 मार्क्स मिलते हैं तो ए के मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि ए को 125% ऑफ बी मिले, तो ए बाई बी अगर हम काउंट करें यहाँ पे, तो 125/100, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमने डिवाइड बाई 100 किया, इसको फ्रैक्शन में कर दिया। हमें मिला 5/4, ए बाई बी आ गया 5/4, और बी जो है वो 10% लेस देन सी, यानी सी का जो 100% था, सी अपना कुछ सी कंप्लीट है जो 100%, उससे 10% लेस था, यानी 90% ऑफ सी। तो इसको हम बी बाई सी यहाँ पे निकाल लेंगे 9/10, जैसे यहाँ पे ए बाई बी काउंट किया था। अगली चीज देखते हैं कि सी गो टू 25% मोर देन डी। तो जैसे ए और बी का निकाला था वैसे ही सी बाई डी भी क्या हो जाएगा, 5/4, क्योंकि सी 125% ऑफ डी है। ठीक है, अब हम यहाँ एक चीज देखते हैं कि हम इनको ए बी सी डी को कंपैरिजन हमने करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी का मालूम है और ए का मार्क्स निकालना है। तो डी इस यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ इस रेशियो में हम देखें तो बी की वैल्यू 4 है, ए की 5 है, तो बी की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू 9 है। अब इसमें और इसमें देखें तो सी की वैल्यू यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे 5 है, तो पहली बात तो इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ए बाई बी इज्कवल टू 5/4, और बी बाई सी इज्कवल टू 9/10, और सी बाई डी जो कि 5/4 है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, बी की वैल्यू इक्वल हुई हुई, लेकिन अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम रेशियो को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अब यहाँ पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे सी की वैल्यू अगर 40 हो गई है तो यहाँ पे भी हमें 40 करनी पड़ेगी। इसको 40 करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें नीचे भी अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ए बी और सी और डी की वैल्यूज में कंपैरिजन क्या आता है। तो ए यहाँ पे अगर हमारा 45 है तो बी 36 है, 9 × 4 = 36। तो यहाँ पे भी 36 ही है, अभी इक्वल किया ही था, तो बी 36 है तो सी 40 है, सी 40 है तो डी 32 है। ठीक है, हमने देखा कि ए बी सी डी, डी को अगर 32 मार्क्स मिलते हैं तो सी को 40, बी को 36 और ए को 45। अब हमें मार्क्स किसके निकालने हैं, मार्क्स निकालने हैं ए के। ठीक है, तो हम ए और डी को अब डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ए और डी को कंपेयर करेंगे, ए और डी। अब डी की वैल्यू यहाँ पे 32 दी थी और ए की वैल्यू 45। अगर हमसे बी की पूछी होती या सी की पूछी होती तो हम बी और सी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहां से देखा कि डी को अगर 32 मार्क्स मिलते हैं, 32 मार्क्स हैं तो ए के 45 मार्क्स हैं, हमने रेशियो निकाल लिया यहां से। ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि डी को 32 मार्क्स नहीं है, डी को तो 320 मार्क्स है, यानी अब मुझे ये 320 करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 320 हो गया, लेकिन अब रेशियो चेंज हो रहा है, रेशियो तो वो ही रहेगा ए और डी का। ठीक है, तो हमें इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आई, ए रेशियो डी इज इक्वल टू 320 450। ठीक है, तो अब हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन आई कि यदि डी को 320 मार्क्स आते हैं तो ए को 450 मार्क्स आते हैं, और यही हमारा आंसर है, यही पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ एक्स इज 20% लेस देन वाई, अभी हमने पीछे किया था कि लेस देन, वहां पे सी लेस था, यहाँ पे एक्स लेस है, तो एक्स इज 20% लेस देन वाई, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि 80% ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स बाई वाई उसी तरह से फ्रैक्शन निकाल लेंगे, यानी इसका इससे हमें कंपेरिजन मिल जाएगा कि इसमें क्या x अगर 4 है तो y 5 होगा। इसको हमने सिंपली डिवाइड बाई 100 कर लिया और 4/5 पे ये हट गया है। ठीक है, सो x अगर 4 है तो y 5 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, y माइनस एक्स अपॉन वाई, सो y भी है हमारे पास और x भी है, तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 5 − 4/5, सो y माइनस एक्स बाई वाई क्या आ गया, 1/5 आ गया। सेकेंड थिंग क्या निकालनी है कि x बाय एक्स माइनस वाई, तो इसको हम लिखेंगे 4/4 − 5, सो 4/-1 = −4। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज बड़ी आसानी से निकल गई, सिंपल क्वेश्चन था, काफी इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x has twice as much money as that of y, x है उसके पास y से दोगुनी मनी है। ठीक है, चलो इसको इससे हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये 2:1 में मनी रखते हैं। अब बोलता है कि y has 50% more money than that of z, अब y और z का कंपैरिजन दिया है तो 150% more है, यानी अगर z की 100 है, जो z के पास 100 रुपए हैं तो y के पास कितने होंगे, 100 तो होंगे ही होंगे, प्लस उसके 50% ज्यादा है, यानी 150:100, यानी 2:3। सो y और z हम बोले कि 3:2 में है। ठीक है, लेकिन अब y की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग थोड़ी ना हो सकती है, तो हम इसको बराबर करेंगे, यहाँ पे 3:2 है तो हम यहां से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास एक कंपैरिजन, सिंपल कंपैरिजन आ गया, क्या आ गया कि अगर x 6 है, y 3 है तो z 2 है। अब हम देख रहे हैं कि ये 50% मोर भी है और ये इसका डबल भी है। ठीक है, अब ये बोलता है कि इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 110, कि उनकी जो एवरेज मनी है, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी है, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो
एवरेज काउंट करेंगे तो 6 सभी को टोटल करेंगे पहले, 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी 11 बाय 3, क्योंकि तीन लोग हैं एवरेज, और ये दिया हमारे पास जो एवरेज आया वो आया 11/3। लेकिन दिया कितना है कि ये भाई 11/3 नहीं है, ये तो 110 है। तो 110 है तो हमारे पास एक की वैल्यू कितनी आई, 110, इधर 11 नीचे ऊपर 3, सो 10, 1 की वैल्यू 30, यानी हमारी जो एवरेज आई उसका तो ये 30 गुना है। ठीक है, एक्चुअल में तो वो 30 गुना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पैसे थे, हमने जो माने थे रेशियो में, उनसे भी 30 गुना वैल्यू होंगे उनके पास। ठीक है, सो अब हमारी वैल्यू भी यानी पैसे भी 30 गुना होंगे। अब पूछा किसका, पूछी किसकी है, हमसे पूछा गया है कि एक्स के पास कितने पैसे हैं। ठीक है, एक्स के पास हमने तो 6 मान रखे थे, लेकिन यहाँ पे 30 गुना है। ठीक है, तो इसको भी 30 गुना कर देंगे, तो एक्स के पास कितने पैसे हुए हमारे पास, 180। ठीक है, 180 रुपीज होंगे एक्स के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई एक्स परसेंट, एक्स परसेंट से किसी नंबर को बढ़ाया, कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर पे वापस जाने के लिए इसको किस परसेंटेज से हमें घटाना पड़ेगा, किस, इट इज रिड्यूस्ड टू बी बाय व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था कि लिक्विड टू सॉलिड, उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था और सॉलिड से लिक्विड वापस उसी वॉल्यूम में जाने के लिए हम इस पर काउंट कर रहे थे। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमारा नंबर मान लेते हैं हम कि नंबर हमारे पास है ए। ठीक है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं एक्स परसेंट से, तो एक्स परसेंट बढ़ाना है तो ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ए का एक्स परसेंट उसमें और ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास जो न्यू नंबर आ गया वो आ गया ए 1 + x/100। ए को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, इक्वल टू ए 100 + x/100। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है, या फिर इसकी भी जरूरत नहीं है, आप इतना लिख लिए, लिख लीजिए ए प्लस ए एक्स बाय 100। अब ये बोलता है कि वापिस उसी नंबर पर जाने के लिए हमें किस परसेंटेज से घटाना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि वापिस हमें क्या निकालना है, वापिस किस पे पहुंचना है, ए पे पहुंचना है। तो ए पे पहुंचने के लिए अब हमारे पास ये नंबर है, वापिस ए करना है तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, ये पार्ट घटाना पड़ेगा, किस में से, इस टोटल में से। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज रिडक्शन, तो परसेंटेज जैसे हमने किया था पार्ट, तो पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए एक्स बाय 100। ठीक है, अपॉन टोटल। ठीक है, ए 1 + x/100 जो भी, 100 + x/100 जो भी है आपका। ठीक है, इंटू में परसेंटेज के लिए 100, ये पार्ट हो गया, ये टोटल हो गया, और ये इंटू 100 हो गया। तो अब ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो गया और 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज रिडक्शन जो हमारा आया वो ऊपर आया 100x, नीचे बच गया हमारे पास 100 + x। तो इतना परसेंटेज हमें रिडक्शन करना होगा उसी नंबर पर जाने के लिए। ठीक है, थ्योरेटिकल था लेकिन इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ द फूड प्राइस गोज अप बाय 10%, 10% फूड के प्राइस थे वो बढ़ गए। ठीक है, 10% हाई हो गए। ठीक है, बाई हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब पहले वो कुछ कंज्यूम कर रहा था क्वांटिटी, अब वो कुछ उसने रिड्यूस करनी पड़ी क्योंकि कीमत बढ़ गई। अब 100 रुपए है हमारे पास। ठीक है, पहले 50 रुपए किलो कुछ आता था, तो हम 2 किलो वो चीज खरीद सकते थे, 50 रुपए किलो मान लिया चीनी आती थी। ठीक है, तो हम 2 किलो चीज खरीद सकते थे, लेकिन अब 75 रुपए किलो हो गई मान लो, तो क्या हम 2 किलो खरीद पाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, यानी प्राइस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, या फिर इसको हम बोल देते हैं कंजम्पशन। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा कितना होगा कि हमने मान लो हम बोले कि यार 2 किलो चीनी चाहिए और 50 रुपए उसका रेट है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि 2 किलो क्या थी हमारे पास, क्वांटिटी थी, और 50 रुपए क्या था, उसका प्राइस था। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि बता दिया कि भाई 100 रुपए में मिलेंगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, एक्सपेंडिचर जो हमारा होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी, जितनी हमने चीज खरीदी, और उसकी कीमत यानी प्राइस। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऐसे निकाल लेंगे। अब दिया क्या है, पूछा क्या है कि भाई हाउ मच शुड ए मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कि वो अपना कंजम्पशन कितना कम करे सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अब वो बोलता है कि उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए और वो अपना क्वांटिटी कम कर सकता है, कंजम्पशन कम कर सकता है। तो मैं बोलूं यहाँ पे 3 चीजें लिख ले, प्राइस, दूसरी चीज है मेरे पास क्वांटिटी या कंजम्पशन, तीसरी चीज है फिर उससे हुआ जो हमारा टोटल खर्चा। ठीक है, अब कितना हाई कितना किया है प्राइस, पहले हमारे पास क्या था, यानी 10% हाई किया है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/10, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 तो हमारे पास था ओरिजिनल, लेकिन अब 1/10 यानी उसका एक पार्ट बढ़ गया है, तो 10 से हमारे पास 11 हो गया। ठीक है, 10 से 11 हो गया, तो प्राइस हमारे पास पहले था 10, अब हमारे पास हो गया 11। ठीक है, अब अगर मैं मानूं कि एक्सपेंडिचर मेरे पास कुल मैं मान लेता हूं कुछ भी कि 110 रुपए है। ठीक है, ये भी माने हुए प्राइसेज हैं, लेकिन रेशियो हमारे ठीक होने चाहिए। ठीक है, इसमें 10% इंक्रीमेंट ही है। ठीक है, तो 110 रुपए अगर मैं खर्चा मानता हूं तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा मेरे पास, तो पहले क्या था 10 रुपए के हिसाब से मैं 110 रुपए में वो चीज 11 चीजें ले लेता था। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एक्सपेंडिचर बाय प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी। ठीक है, तो 10 रुपए के हिसाब से मैं 110 रुपए में 11 चीजें ले लेता था, लेकिन अब वो 11 रुपए की चीज हो गई, तो 11 रुपए में मैं 110 रुपए में अब वो चीजें 10 ही ले पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरे पास वो चीजें 11 थी, जिस खर्चे में मैं पहले वो चीजें 11 ले सकता था, अब मैं वो केवल 10 ही ले सकता हूँ प्राइसेस में हाइक की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक चीज में कटौती करनी पड़ेगी, एक चीज कम खरीदनी होगी। तो यही तो पूछा है कि परसेंटेज रिडक्शन। ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन हम अब काउंट कर लेंगे, परसेंटेज रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन कितना हुआ, 1 का किस पे हुआ, 11 पे हुआ, इंटू 100, तो इसको हमने निकाल लिया 9 11 99 9 1/11। ठीक है, इतना परसेंट हमारा रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चंस इजी हैं, इनकी लैंग्वेज को बस स्केच कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल, किसी चीज पर जो टैक्स लगाया जाता है वो 10% कम कर दिया गया है, यानी हमें अब वो चीज 10% सस्ती मिलेगी। ठीक है, 10% सस्ती नहीं, लेकिन उसके टैक्स में 10% कटौती होगी, मतलब कीमत कम होगी। ठीक है, तो आगे दिया है कि इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेकिन जो क्वांटिटी है वो हमने 10% ज्यादा लेनी शुरू कर दी है। इसके बाद ये दो कंडीशन दी है, इसके बाद पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू फ्रॉम इट, तो हमें जो उससे पैसा मिलता था उसमें क्या परसेंटेज चेंज हुआ। तो देखते हैं कि हमारे पास है टैक्स, ठीक है, दूसरी चीज है हमारे पास क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्वांटिटी, और इसी से हमें मिलता था क्या,
रिवेन्यू। तो हम पिछले क्वेश्चन के से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइस था, ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी है और ये उससे एक्सपेंडिचर है, यानी वहां हम वहां पे कर रहे थे, यहाँ ले रहे हैं, बात वही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टैक्स जो है वो 10 से 11 हो गया, क्योंकि 9 हो गया, ठीक है, क्योंकि 10% डिक्रीज है, और जो कंजम्पशन है वो 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब हमें रिवेन्यू 10 चीजें वो खरीदता था और 10 उस पर टैक्स देता था, तो हमें रिवेन्यू उससे 100 रुपए मिल जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने टैक्स तो 9 कर दिया, 9 कर दिया, लेकिन क्वांटिटी अब वो 11 ले रहा है, तो हमें 99 उससे रेवेन्यू मिल रहा है, तो चेंज कितना हुआ, 1 रुपए अब हमें कम मिल रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज जो चेंज होगा या परसेंटेज जो रिडक्शन हुआ हमारा वो कितना हुआ, 1/100 × 100, ठीक है। सो 1% वहां पे रिडक्शन हुआ, किसमें, रेवेन्यू में, ठीक है। इसका और भी तरीका है, उसको आगे थोड़ा समझाऊंगा अलग क्वेश्चन के साथ, ठीक है, शॉर्टकट है, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाई R%, R% से कुछ भी हो सकता है, परसेंट, R% से उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, ठीक है, R% से उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, प्राइस है हमारे पास वो R% हाइक कर दिया गया है। लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाय, अब जो हमें जो प्राइस मिल रहा था बढ़ाने के बाद उसको हमने R% से घटा दिया, ठीक है। इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज ₹1, अब ये जो हमारे पास घटा दोबारा घटाने के बाद जो प्राइस आता है वो यदि 1 रुपए था, तो ओरिजिनल हमारे पास जो प्राइस था स्टार्टिंग में वो क्या था, तो इसको हम सिंपली करेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने, हम मान लेते हैं कि ए हमारे पास शुरू में प्राइस था, वो प्राइस हमारे पास ए था, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ए हमारे पास प्राइस था। तो अब क्या किया कि आर परसेंट उस पर इंक्रीज कर दिया, तो ए था उस पर R% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, ये ए था ही था, उसका R% हमने ऐड कर दिया, ये R% ए का निकाल के इसमें ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास नई जो अमाउंट आई इसको हमने R% से डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास प्राइस 1 आ गया, ठीक है, बढ़ा हुआ, लेकिन अब घटाना पड़ेगा इसको, R% अब डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो A प्लस AR/100 जो है इसको हम R% डिक्रीज करेंगे, तो इसका R% जो है ये निकाल दिया इसका R%, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, हमारे पास प्राइस ये है, इसका R% ये है, ये घटा देंगे, A प्लस AR/100 माइनस A प्लस AR अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, ठीक है, बाय यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 40 हो गए, ठीक है। अब अगर हम माइनस ओपन करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, यानी आ गया हमारे पास A माइनस AR² / 1000, ठीक है। अब ये बोलता है कि द लेटेस्ट प्राइस वॉज ₹1, यानी अब हमने ये, अब हमारे पास रिडक्शन के बाद ये प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये जो प्राइस है AR² / 1000, ठीक है, 10,000 = 1, सो A यहाँ से कॉमन लें तो 10,000 - R² / 10,000, ठीक है, 10,000 = 1, तो A ही तो निकालना है, द ओरिजिनल प्राइस वाज, जो हमने ओरिजिनल प्राइस माना था, ठीक है। तो A हमारे पास क्या आ गया, 10,000 - R², ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या
कि ए अगर हमारा प्राइस था स्टार्टिंग में तो उसको हमने बढ़ाया आर परसेंट से, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 + r/100, ठीक है, 1 + r/100, ये 100 आर के नीचे होगा, ठीक है, 1 + r/100, क्योंकि ये तो ए हो गया और ये ए का आर परसेंट इसमें ऐड हो गया, ठीक है। क्लियर, क्लीन लिख देता हूं मैं थोड़ा, 1 + r/100, ठीक है। अब ये हमारे पास नई अमाउंट आ गई, ठीक है। अब ये जो अमाउंट थी उसको हमने आर परसेंट से ही घटा दिया। अब ये इस अमाउंट का आर परसेंट है कि नहीं है, ठीक है, उसको आर परसेंट घटाया कि नहीं घटाया, ये एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अमाउंट और उसका आर परसेंट है वो घटा दिया, और ये हमें किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर, ठीक है। अब हम करें कि एलसीएम हमने ले लिया 100 / r/100, ओके, 100 - r/100 = 1, ठीक है। अब a + b, a - b क्या होता है, सिंपल ये फॉर्मूला होता है, a + b * a - b = a²- b², ये एलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, सिंपल आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, a = इसका स्क्वायर कितना होगा, 10,000 - a²- b², r², ठीक है, नीचे 10,000, ठीक है, = 1। तो a हमारे पास सीधा रिवर्स करने पर क्या आ गया, 10,000 / 10,000 - r², ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, प्राइस कर दिया 10 से 9, ठीक है, 10% रिडक्शन, ठीक है, हमने मान लिया 10x पहले था, अब 9x है, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है, बाय दिस ए कंज्यूमर कैन बाय, अब ये प्राइस जो सस्ता हुआ उसकी वजह से 6.2 kg ये एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, 837 रुपए में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पैसे तो हमारे पास 837 है, ठीक है, 837 में हमने 9 के हिसाब से, 9x के हिसाब से जो खरीदा, और 837 रुपये में ही हमने 10 के हिसाब से जो खरीदा, इसमें कुछ 837 में 9 9x के हिसाब से हमने कुछ खरीदा, तो हमारे पास कुछ किलो हम खरीद रहे थे, ठीक है, और 10 के हिसाब से भी कुछ किलो खरीद रहे थे। अब 10 ज्यादा प्राइस है तो बेसिकली कम खरीदेंगे, ठीक है, तो 9x प्राइस हुआ, उससे हमें क्या फायदा हुआ, उससे इसने बताया कि 6.2 kg हम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। इस लाइन को ध्यान से समझिए कि 837 रुपये में हम 9 के हिसाब से जो खरीदा, 837 रुपये में हमने जो 10 के हिसाब से खरीदे थे, उनमें जो अंतर था वो 6.2 किलो का था, यानी 6.2 किलो हम एक्स्ट्रा खरीद रहे थे, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे अब, ठीक है, बाई 10, ठीक है, 837 को बाहर ले लिया, 1/9x - 1/10x = 6.2/10, ओके, 837 इंटू ऊपर एक्स रह गया, नीचे 90x² हो गया, सॉरी, ऊपर 1 नीचे 90x हो गया, = 6.62/10, ये 0 हम पॉइंट हटा के हमने 10 लिया था, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9, 9 81, 9 3 27, अब 31 2 62, 31 3 93, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि 3/x = 2, तो x कितना हुआ, 3/2, x हमारे पास 3/2 आया। इसने पूछा द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, रिड्यूस्ड प्राइस हमारे पास क्या था, 9x था, ठीक है, तो हम इसको निकाल देंगे, 9x, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड प्राइस, 9 × 3/2, 27/2 = 13.50 rupees per kg, जो भी था, ठीक है। अब हमारे पास ये रिड्यूस्ड प्राइस है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16 2/3%, ठीक है। अब ऐसे में हमारे फ्रैक्शंस काम आते हैं, 16 2/3% दिया है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/6,
ठीक है, इसका हमने डायरेक्ट फ्रैक्शन कर लिया, और इससे हमने ऐसे हम फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख के हम काफी टाइम सेव कर लेते हैं। एंड द कंजम्पशन ऑफ द फैमिली इज रिड्यूस्ड बाय 20%। और जो कंजम्पशन था यानी जो क्वांटिटी थी वो 20% यानी 1/5, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/5 रिड्यूस हो गई। अब देन द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, तो वही चीज हमारे पास, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस हमारे पास इतना बढ़ गया, 16:3 बढ़ गया, यानी पहले अब 1/6 बढ़ गया, तो पहले 6 था तो अब 7 हो गया, तो पहले 6 था तो अब 7 हो गया प्राइस। ठीक है, कंजम्पशन था वो 1/5 घट गया। ठीक है, तो पहले 5 था वो अब 4 हो गया, तो पहले 5 था कंजम्पशन अब 4 हो गया। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, हमने एक्सपेंडिचर निकाला था, 5 चीजें 6 के हिसाब से हमारे पास 30 रुपए की हो गई, 4 चीजें 7 के हिसाब से हमारे पास 28 की हो गई। तो हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज क्या आया, 2 का आया। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज हमारे पास आया 2/30 × 100, 2 15, ओके, 5 3 20 इज इक्वल टू 6 2/3%। ओके, सो आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%। सुगर का प्राइस है वो 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 20% बढ़ा दिया गया है, 20% इज इक्वल टू 1/5, 5 से 6 कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हैज टू बी केप्ट सेम एज अर्लियर। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, ध्यान से पढ़िए, रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजम्पशन। ठीक है, ओरिजिनल और न्यू में नहीं पूछा, रिडक्शन और जो ओरिजिनल कंजम्पशन था उसमें रेशियो पूछा है। ठीक है, तो 5 हमारे पास जो प्राइस है, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन था। ठीक है, यानी प्राइस और कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस अगर हमारे पास 5 था पहले, अब 6 है, अब हमारे पास एक्सपेंडिचर तो वही है, मैं मान लेता हूँ 30 रुपए। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो वही है, तो पहले मैं 6 चीजें लेता था, अब 5 चीजें ले सकता हूँ। ठीक है, तो कंजम्पशन प्राइस का रिवर्स हो गया। ठीक है, ये 5 था तो ये 6 था, ये 6 है तो ये 5 है, फॉर सेम एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये बोलता है कि रिडक्शन, रिडक्शन कितना हुआ, 1 का। ठीक है, तो रिडक्शन जो है वो, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 6 था, पहले हमारे पास 6 ही तो था। ठीक है, उसका, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो सिंपली 1:6, ये रिडक्शन हो गया, ये हमारे पास ओरिजिनल कंजम्पशन था। ये रेशियो पूछा है इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, ये रेशियो दिया गया है। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आते हैं हमारे लेक्चर्स, तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एनोनिमस एसएससी हेल्पर्स, इट इज कंप्लीटली फ्री। ओके, सो आप विजिट कर सकते हैं और अलग अलग वीडियो देख सकते हैं, हम सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।